इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। देखो अब इसके लिए हमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। वही सबसे पहले इनॉन सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां से ये क्या आ गया, इनॉन आ गया। इसके बाद अल्फा बीटा कंडी, अल्फा ये अल्फा ये बीटा, इसके बाद ये गामा और ये डेल्टा। अल्फा बीटा गामा पहले सबसे पहले क्या देखना है हमें, संयुग्मित इनॉन कहाँ है, तो सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ संयुग्मन में क्या है, डबल बॉन्ड। इसके बाद हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा कंडीशन लिखनी है, यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब आपको याद रखना है इसके डेल्टा के बाद अगर यहां पर कोई समूह जुड़ा होता या वलय अवशेष होता तो उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता, लेकिन इसके बाद चाहिए सी एस थ्री समूह जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सबसे पहले मूल मान की बात करें तो मूल मान क्या होगा, इसके लिए मूल मान कितना होगा 215, मूल मान बराबर 215 नैनोमीटर। इसके बाद अब वलय अवशेष देखते हैं, वलय अवशेष क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े ऐसे एकल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से ये भी एकल बॉन्ड जुड़ा है, तो पहले हम एकल बॉन्ड ढूंढ लेते हैं कौन कौन से है, डबल बॉन्ड से ये एकल बॉन्ड, ये एकल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये देखा है कि वो दूसरी तरफ से डबल बॉन्ड से नहीं जुड़े हों, तो ये एक तरफ से यहां से भी डबल बॉन्ड यहां से भी, तो ये नहीं होगा। इसके बाद इसको देखो, अगर ये बीटा कंडीशन है, अगर हम इसको ये वलय अवशेष है, अगर इसको वलय अवशेष मान रहे हैं तो इसको एल्किल समूह की वैल्यू या तो वलय अवशेष की वैल्यू के रूप में ऐड करना है या फिर एल्किल समूह की वैल्यू के रूप में ऐड करना है, तो या तो आप एल्किल समूह की वैल्यू के रूप में ऐड कर लो, तो बीटा पर एल्किल समूह के लिए भी वैल्यू 12 नैनोमीटर होती है और वलय अवशेष के लिए भी 12 नैनोमीटर, तो किसी भी एक के लिए वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, तो एक वाला अवशेष ये हो गया 1, यहां पर भी ये डबल बॉन्ड से जुड़ा एकल बॉन्ड, आगे किसी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये 2, तो वाले अवशेष कितने हैं 2, तो क्या होगा, दो वाले अवशेष के लिए वृद्धि कितने की हो जाएगी, दो वाले अवशेष कौन सी स्थिति पर है ये याद रखना जरूरी है, कौन सी पर है, बीटा स्थिति पर, तो मैंने यहां लिख दिया बीटा स्थिति पर कितने की वृद्धि होगी, 12 × 2 = 24, 12 × 2 कितने की वृद्धि, 24 की वृद्धि कर दो। इसके अलावा और कुछ बचा हुआ है ना, तो संयुग्मन को बढ़ाने वाला कोई तीसरा द्विबंध है इनके अलावा कोई और है नहीं है, तो इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगी वैल्यू 932, और आप चेक कर लेना इनको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं लास्ट, अब हम एक 5 सदस्यीय वलय का एग्जाम्पल देख लेते हैं, डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 5 सदस्यीय वलय है और 5 सदस्यीय वलय के साथ एक 7 सदस्यीय वलय जुड़ी हुई है, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दें, ठीक है ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, अब इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या करना है, वही इनॉन ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंडीशन मिल गई, अब बस इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब एक संयुग्मन को बढ़ाने वाला समूह मिल रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इनॉन ढूंढ ली, ये तो हो गई इनॉन, अब इसके साथ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये संयुग्मन को बढ़ाने वाला है, तो हम इसके साथ देते चाहेंगे, आगे हमें अपनी सीरीज को तब बढ़ाना है, संयुग्मित इनॉन के एरिया को तब बढ़ाना है जब संयुग्मी स्थिति में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो आगे अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्थिति, इस कार्बन के आगे वाला अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अब आगे यहां 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 कोई भी अल्किल समूह जोड़ दिया जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर हम एक एल्किल समूह जोड़ देते हैं जिससे नया मान प्राप्त हो। देखो क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले याद रखना है द्विबंध कार्बन समूह अगर 5 सदस्यीय वाले में हो तो वृद्धि कितने की 202,
सॉरी मूल मान क्या होगा 202, तो मूल मान लिखते हैं क्या होगा, मूल मान 6 सदस्य के लिए क्या था 215, लेकिन इसके लिए क्या होगा 202। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं ये संयुग्मन को बढ़ा रहा है, मेन तो यही है ना इनोन, ये क्या हो रहा है संयुग्मन को बढ़ा रहा है, तो संयुग्मन को बढ़ाने वाले दो बंध के लिए वृद्धि कितने की होगी 30 नैनोमीटर, कहाँ है विस्तार के 30 नैनोमीटर। ओके, अब इसके बाद हम क्या करें, एल्किल समूह और वलय अवशेष को और देख लेते हैं। ठीक है, एल्किल समूह वलय अवशेष देखते हैं क्या होगा, हमें एल्किल समूह वलय अवशेष अल्फा बीटा गामा स्थिति पर ही देखने हैं, डेल्टा स्थिति पर। तो डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन यहां पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो ये नहीं होगा, डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है आगे नहीं जुड़ा तो ये हो जाएगा। इसको हम एल्किल भी मान सकते हैं, वलय अवशेष भी मान सकते हैं, दोनों के लिए वृद्धि कितनी की होगी बीटा पर 12 नैनोमीटर की ही होगी। इसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड से जुड़ गया इसकी, ये कौन है डबल बॉन्ड से, तो ये नहीं होगा, ये देखो डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड तो ये होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आगे नहीं है तो ये होगा। तो कितने वाले अवशेष हैं, 3 हैं, पर हम एक साथ काउंट करके नहीं लिख सकते क्योंकि हर स्थिति के लिए वृद्धि अलग अलग होगी। तो देखो तो हम ऐड करना शुरू करते हैं, सबसे पहले अल्फा पर है कोई नहीं है, बीटा पर ये है, या तो एल्किल मान लो या वाले अवशेष मान लो, हमने हम इस बार एल्किल मान लेते हैं, तो बीटा स्थिति पर एल्किल वाले अवशेष कुछ भी लिख दो वैल्यू एक ही आएगी, वाले अवशेष या एल्किल, मैंने या लगा दिया, एल्किल के लिए वृद्धि बीटा पर कितने की होती है 12 की, 12 नैनोमीटर। ठीक है, गामा पे एक है तो गामा स्थिति पर वलय अवशेष गामा पर हो तो 18, इसके बाद डेल्टा पर है तो डेल्टा स्थिति पर वलय अवशेष 18 एड। अब देख लेते हैं और कुछ तो नहीं बचा, अब इसमें शायद भाईचक्रीय दुबंध और बचा है, अगर मैं इस वलय को छुपा लूं, इस वलय के सापेक्ष ये भाईचक्रीय, इस वलय के सापेक्ष कोई भाईचक्रीय नहीं है, तो भाईचक्रीय दुबंध कितने हो गए, कितने हो गए भाईचक्रीय दुबंध, भाईचक्रीय दुबंध हो गए एक, एक भाईचक्रीय दुबंध के लिए वृद्धि एक बाहरी चक्रीय द्विबंध के लिए वृद्धि कितनी होगी 5 की वृद्धि, ऐड कर देना लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर इनोन के लिए वुडवर्स तथा फिजर के नियम के आधार पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालने वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद दो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम डिटेल में समझ लेते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बाद यूनिट कंप्लीट होगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि यदि हम फिनोल लेते हैं और फिनोल के जलीय विलयन, फिनोल के लिए जलीय विलयन, फिनोल के लिए अगर हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, फिनोल के लिए क्या बनाया, स्पेक्ट्रम बनाया, तो इस स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, कुछ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इस फिनोल में NaOH को ऐड कर देते हैं, NaOH मिला देते हैं, तो जो लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, उसकी वैल्यू इसकी तुलना में कम, मतलब जब फिनोल लिया जाता है केवल अकेला और उसके लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, किसकी तुलना में, जब हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू NaOH के मिलाने पर देखते हैं, कैसे, क्यों, इसका कारण क्या है। पहला एक याद करना है, याद रिमाइंड करो कि जब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती है तो कौन सा शिफ्ट होता है,
बैथोक्रोमिक शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट हो रहा है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट हो रहा है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है जब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती है। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कब बढ़ती है? जब हमें एनर्जी क्या देनी पड़ती है? कम देनी पड़ती है। ई की वैल्यू कैसी होती है? घटती है। मतलब इसका मतलब यह है कि एनएच मिलाने पर एनर्जी कम चाहिए होगी, तभी क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ रही है। कैसे? जैसे ही फिनॉल में एनएच मिला दिया जाता है, क्या बना मिला दिया? एनएच मिला दिया तो क्या चला जाएगा? यहां से OH और यहां से H प्लस, क्या गया? H2O। और Na प्लस के साथ क्या बना? सोडियम फिनोक्साइड बना। इसमें माइनस, इस पे प्लस, उसके दो लोन पेयर उपस्थित हैं। ठीक है, अगर हम इस फिनॉल को देखें तो इस फिनॉल में दो लोन पेयर हैं, तो दो लोन पेयर होने पर कौन सा संक्रमण हो सकता है? N2 पाई स्टार संक्रमण। इनमें N2 पाई स्टार संक्रमण होता है, लेकिन जैसे ही N2 पाई स्टार संक्रमण होने के लिए इसमें कितने लोन पेयर उपस्थित हैं? दो लोन पेयर उपस्थित हैं। लेकिन जैसे ही NOH मिलाया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं? दो, मतलब तीसरा लोन पेयर और है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ रही है। जैसे जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ रही है तो मतलब यह है कि आसानी से, क्योंकि कोई चीज ज्यादा है, इसका मतलब है आसानी से विस्थानीकृत होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। पहले दो थे, अब संख्या तीन हो गई, मतलब ये चाहेंगे आसानी से कम ऊर्जा में ही कौन सा संक्रमण हो जाए? N2 पाई स्टार। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा, कम, थोड़ी लिमिट से ज्यादा हमारे पास जब चीज है तो उसका उपयोग ज्यादा होता है, तो N2 पाई स्टार संक्रमण होने के लिए कम ऊर्जा में ही एनर्जी कम देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा में ही संक्रमण हो जाएगा। और जब एनर्जी कम होती है, जब तब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए जब NOH मिलाया जाता है, NOH मिलाने से फिनोक्साइड बनता है, और फिनोक्साइड बनने से इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ती है, अर्थात संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉनिक या विस्थानीकृत होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे विस्थानीकृत होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण दर्शाएंगे, और जब कम ऊर्जा होगी तब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आपकी जो वैल्यूज हैं बड़ी और घटी क्वेश्चंस में दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है सिर्फ। क्वेश्चन ये है कि जैसे अब इसमें हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्यों बढ़ी है वो बताया, उसमें घटी क्यों है ये बताना है। जैसे कि देखते हैं हम, क्वेश्चन ये है कि हमने लिया एनिलीन, जब हमने एनिलीन के लिए यूवी स्पेक्ट्रम बनाया और यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू देखी, तो इस वैल्यू की तुलना में जब हमने एनिलीन में क्या मिला दिया, HCl, एक बार लिया एनिलीन और HCl मिला दिया, ठीक है, जब इसके लिए हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू देखी तो वो कम पाई गई, किसकी तुलना में, इसकी वैल्यू की तुलना में। वो वैल्यूज आपकी में दी गई हैं कि एनिलीन के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा है और इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, कम। इसका मतलब क्या है, ऊर्जा जरूर इतना कंफर्म है कि डेफिनेटली ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ी होगी तब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम हो गई है। बस यही प्रूफ करना है हमें, क्या होगा, एनिलीन बनाओ, एनिलीन इस पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर है तो कौन सा संक्रमण हो सकता है, N2 पाई स्टार हो सकता है, लोन पेयर के लिए बात कर रहे हैं। हमने HCl मिला दिया, जैसे HCl मिलाया है तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा ये, और ये H प्लस इसके लोन पेयर के साथ आकर्षित होकर जुड़ जाएगा, तो क्या क्या बनेगा, ये देखो एनिलियम धनायन बनेगा, NH2 प्लस, और इसके साथ आकर्षण से Cl माइनस जुड़ा है। अब इस पर लोन पेयर देखें तो कितने लोन पेयर हैं, इस नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर, H प्लस पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बंद बनाया, बंद बनाया, तो इसका मतलब है अब नाइट्रोजन दो बंद, ये तीसरा बंद, ये तीन बंद बना लिए,
NH3 हो जाएगा यहाँ, तीन ये और एक चार, चार बंद बना लिए। नाइट्रोजन तीन बंद बनाता है, एक लोन पेयर रहता है। अब इस पे चार बंद है, एक भी लोन पेयर नहीं है, एन इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता खत्म। अगर हमें इसमें N2 पाई स्टार संक्रमण करना होगा, करवाना है, तो पहले ऊर्जा दो और तीसरे बंद को तोड़ो। तीसरा बंद टूटेगा तब लोन पेयर आएगा, जब लोन पेयर आएगा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी और फिर उसका संक्रमण दर्शाएंगे। इसका मतलब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है और E की वैल्यू बढ़ेगी तब लेमडा की वैल्यू घटेगी। इसीलिए इसके लिए लेमडा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है जब इसमें HCl मिला दिया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होती है। इसका एक अनुप्रयोग भी एप्लीकेशन देख लेते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन क्या करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। किसी भी अज्ञात यौगिक का पता चला लगाने के लिए किया जाता है, संयुग्मन का पता लगाने के लिए किया जाता है, वर्णमूलक वर्णवर्धक का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो भी हमने उपयोग किए थे। इसके अलावा इतने आप, और इसके अलावा कुछ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग हैं आपके में लिखे हुए नोट में। यहां पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करते हैं।